उत्तर भारत में तांडव रचुची प्रकृति वर्षा बन्या सहित भूस्खलन में गलानी अनेक जीवन जल प्रलय रे त्राही त्राही डाकुच उत्तराखंड। प्रबल वर्षा जो बन्या तो क्योंकि पहाड़ धसी धन जीवन क्षति घटाऊँगी। मौसुमी वर्षा आरंभ ही स्थिति बेहाल हो पड़ी। भूस्खलन फल 449 रास्ता बंद हो। राज्य में शनिवार रविवार प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं रेड वार्निंग जारी करिपाग विभाग। सेपटे हिमाचल में बन्यार हाहाकार जारी। राज्य में प्रबल वर्षा सांग सबुठी जल प्रलय वर्षा और बन्यार एजाए 90 अधिक जीवन गलानी। सेपटे दिल्ली में स्थिति बेहाल होवर स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय रविवार जाए बंद कर दि जाए। सरकारी एवं बेसरकारी कर्मचारी को वर्क फ्रॉम होम मोड रे काम करने को कहा जाए। देखो यहाँ पे बाढ़ इतनी तगड़ी आई हुई है। रात को सामान लेकर आया हूँ, पूरे हर जगह पानी पानी हो गया। झोपड़ी वोपड़ी सामान सट्टा सब बह गया पानी में। यमुना खादर में इतनी तगड़ी बाढ़ आई हुई है। यमुना बाढ़ के आने के समय बच्चों की पढ़ाई भी बेकार हो रही है। बच्चों की कॉपी किताबें पानी में डूब गई है। कोई किसी ने अपना सामान आधा उठा पाया है, आधा नहीं उठा पाया है। और सिग्नेचर ब्रिज के नीचे जहां अस्थायी रूप से पाकिस्तान के विस्थापित हिंदू परिवार रह रहे हैं, ये तीनों इलाका पूरा डूब गया है। बाकी इलाके में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम कल से रेस्क्यू में लगे हुए हैं और सहायता पहुंचाने में लगे हैं। स्थिति बहुत भयानक है। जो क्षेत्र के निचले इलाके हैं सब पानी से भरे पड़े हैं। पानी की निकासी का कोई साधन। अब तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी बंद हो गए हैं। क्षेत्रों में पानी आना भी बंद हो गया है। लोग एक तरफ तो पानी की मार से झेल रहे हैं, दूसरी तरफ पीने के और नहाने के पानी से भी परेशान है। परसों रात से जब से यमुना में जलस्तर बढ़ना शुरू हुआ है तब से लगातार हम लोग जो है रेस्क्यू कर रहे हैं। यहाँ साथ में हमारे SDM, SHO, MLA साहब सभी लोग हम लगे हुए हैं पूरी टीम के साथ। और कोशिश यही है कि सभी लोगों को हम नाव में बचा के लेके आ रहे हैं। यहाँ गंगा के पानी की वजह से और बारिश के पानी की वजह से काफ़ी वाटर लॉगिंग हुई है खेतों में। और यहाँ पे फतेहपुर में एक बंदा है जो लोगों ने खुद अपना काफ़ी टाइम से पहले खुद से बनाया हुआ है, तो उसमें काफ़ी कटान हो रहा है और सभी लोग लगे हुए हैं उसको कटान को रोकने के लिए। और सभी की कोशिश ये है कि वो कटान ना हो, नहीं तो फिर अन्यथा यहाँ के 10-12 गाँव हैं उनमें पानी भरते हैं, तो उसके लिए पूरी लोग कोशिश कर रहे हैं। तो इंतजाम नहीं किया गया हुआ है सरकार की तरफ से कि गाड़ी एक लाइन से चलाई जाए या दूसरी लाइन से। 3-3, 4-4 लाइनें लोग लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जल्दी का चक्कर है। मेन जल्दी के चक्कर में एक के पीछे एक आके जाम लगाए जा रहे हैं। और यहाँ स्थिति बहुत ही मतलब गंभीर बनी हुई है और कोई जाम खुलने की स्थिति नज़र नहीं आ रही है।